में पारसना, तेरे मन में पारसना, मेरे मन में पारसना, तेरे मन में पारसना, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, ओ मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। हम गोलामारा गांव में आए हुए हैं और कल का वाक्या था कि यहाँ पर भगवान पारसनाथ की एक जैन प्रतिमा यहाँ की बहने वाली लोकल नदी बोरवडी से यहाँ पर प्राप्त हुई थी। पारसनाथ भगवान की जो मूर्ति है वो काउत्सर्ग मुद्रा में है, वो आपको स्पष्ट रूप से अंदर यहाँ पर जो गोलामारा का ये जो भैरव थान बोलते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। कल भगवान पारसनाथ की प्रतिमा जो यहाँ पर मिली थी उसके साथ ही साथ में यहाँ पर तीर्थंकर भगवान की 3 प्रतिमाएँ भी आपको देखने को मिल जाएंगी। एक प्रतिमा के हाथ जो हैं नहीं है और बाकी जो है खंडित अवस्था में है, जबकि जो कल प्रतिमा मिली थी वो खंडित अवस्था में है नहीं, वो देखने को नहीं मिलती। तो इससे स्पष्ट होता है कि इसके आसपास के क्षेत्र में यहाँ पर एक प्राचीन जैन मंदिर हुआ करता होगा, लेकिन जो है पुरातत्व विभाग के अनुसार छर्रा में 5 देउल का जो है उल्लेख मिलता है। तो हो सकता है कि यहाँ के गोलामारा के नज़दीक में छर्रा है, वो छर्रा में जो है जैन मंदिर हुआ करते थे, तो शायद जो है यहाँ पर जो है ये प्रतिमा छर्रा जैन मंदिर की भी हो सकती है जो कि यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर कल जो प्रतिमा प्राप्त हुई और कितनी लोगों की यहाँ पर दर्शन करने की इतनी जो है भीड़ लगी हुई है, और साथ ही साथ में जामद्वारा से यशो कुमार सराख भी आए हुए हैं। गोलामारा जो ये समाज है उसके एक प्रतिनिधि है यहाँ पे, उनका नाम राकेश मंडल जी है। तो हमारे साथ राकेश मंडल जी हैं, प्रतिमा जी के बारे में वो बताएंगे। समस्त सोजा सरल पुरुलियावासी के जानाच्छि आंतरिक भालोबासा प्रीति शुभेच्छा ओ नतमस्तके करजोड़े प्रणाम। एटा आमादेर गाँवेर मतो नाम समान दुई माटिके जानाई प्रथमेई करजोड़े प्रणाम। पुरुलिया 2 नम्बर ब्लकेर गोलामारा अंचलेर বাঘড়া বাইকাটা বোরাড়ির মধ্যস্থলে যে ভৈরব বাবার মন্দিরটি আছে তার অদূরেই একটি জোড় বাঁধ আছে। ওই জোড় বাঁধের থেকে আমাদের এই সুন্দর শিলামূর্তিটি পাওয়া গেছে। এই শিলামূর্তিটি পাওয়া গেছে তাতে এরা সকলেই যারা আছে এরা ছিল আমাদের, শিলামূর্তিটি ওখান থেকেই পাওয়া গেছে। তাই এই শিলামূর্তিটি আগামীকাল বুধবার আমরা ধুমধামের সহিত এখানে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। তাই সকল পুরুলিয়াবাসীকেই রইল আমাদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ভালোবাসা প্রীতি শুভেচ্ছা ও নতমস্তকে করজোড়ে প্রণাম, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমন্ত্রণ এবং নিমন্ত্রণ। এই আমন্ত্রণটিকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে এই শিলামূর্তির প্রতিষ্ঠা দিবসে সকলেই উপস্থিত হবেন। নমস্কার। यहाँ पर भगवान पारसनाथ की प्रतिमा जिनके बारे में राकेश मंडल जी ने बताया था हमको कि ये जो प्रतिमा है वो जो यहाँ के लोकल नदी से प्राप्त हुई थी। तो आप देख सकते हैं उनका भगवान का दर्शन कर सकते हैं, कितनी मनोहारी और कितनी सुंदर प्रतिमा है। और आसपास में जो है भगवान के परिकर में 8 योगिनी देवी बने हुए हैं और नीचे पद्मावती और धरडन उनकी सेवा में है। भगवान काउत्सर्ग मुद्रा में है, 3 छत्र भगवान पे धारण किए हुए 3 लोक का प्रतिनिधित्व करते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो देव हैं वो भगवान की सेवा में रत हैं। ये 7 फणा भगवान पारसनाथ की प्रतिमा है जो कि, और इनके आसपास में चामर लिए 2 देव यहाँ पर विराजमान है। तो ऐसे भगवान पारसनाथ को हम वंदन नमस्कार करते हैं और ये पूरी बिल्कुल अखंडित प्रतिमा आपको यहाँ पर पुरुलिया में देखने को मिल जाएगी। बोले श्री पारसनाथ भगवान की जय। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।